तो भैया आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे कि आप पांडा माउस प्रो एक्टिवेट कर लेते हैं और उसके बाद आपको कीबोर्ड और माउस की बहुत ज़्यादा समस्या आती है, यानी कि कीबोर्ड और माउस आप कनेक्ट करते हैं उसके बाद भी आपका कनेक्ट नहीं होता है, या फिर कभी कनेक्ट हो जाता है, टू डिवाइस कनेक्टेड आ जाता है लेकिन फिर भी वो कीबोर्ड और माउस आपका गेम में काम नहीं करता, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा दोस्तों कि पांडा माउस प्रो में कीबोर्ड और माउस की समस्याओं को कैसे दूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान बाय विवेक, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक ज्ञान बाय विवेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो भाई सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि समस्या क्या होती है। जैसे कि ये मैंने पांडा माउस प्रो एक्टिवेट करके रखा हुआ है, उसके बाद मैं अपना कीबोर्ड और माउस इस यूएसबी हब के थ्रू ये ओटीजी केबल से कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए मैंने कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे इसकी लाइट भी आ रही है आपकी यूएसबी हब की, फिर भी यहाँ पे आपको नो कनेक्टेड डिवाइस दिखा रहा है। तो ये सबसे पहली समस्या होती है। उसके बाद यहाँ पे दो कनेक्टेड डिवाइस दिखाता है लेकिन उसके बाद भी आपका यहाँ पे माउस और कीबोर्ड काम नहीं करता गेम में, जबकि माउस और कीबोर्ड परफेक्टली आपके मोबाइल में काम करता लेकिन गेम में काम नहीं करता, वो भी समस्या आती है। तो दोनों समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास दो या तीन सोल्यूशन है, तो एक के बाद एक बताऊंगा मैं आपको दोस्तों। तो सबसे पहले जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे नो कनेक्टेड डिवाइस है, यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे निकाल दूँ और उसके बाद फिर मैं इसे कनेक्ट करूँ, तो दोबारा लगाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइट जल गई इसकी लेकिन फिर भी ये कनेक्ट नहीं हुआ। तो इसका क्या सोल्यूशन है दोस्तों? तो इसका सबसे मेन सोल्यूशन है कि आपको ये जो है ये यहाँ पे दो तीन बार निकाल के ट्राई करना है। जैसे कि एक बार लगाया, उसके बाद दूसरी बार लगाया, थोड़ा देर रुक रुक के आपको ट्राई करना है। और एक बार एक दो बार आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। अगर इस तरह आप कई बार लगाने के बाद भी नहीं आया तो इसका मेन प्रॉब्लम क्या है? इसका मेन प्रॉब्लम है कि आप माउस और कीबोर्ड को एक साथ लगा रहे हैं इस ओटीजी केबल के थ्रू। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपको माउस और कीबोर्ड को एक साथ नहीं कनेक्ट करना। जैसे कि आपने देखा होगा कई वीडियोस में कमेंट में मैंने यही लोगों को बताया कि माउस और कीबोर्ड को वन बाय वन कनेक्ट करो, एक साथ मत कनेक्ट करो, तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको लाइव दिखा देता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि ये दोनों मैंने कनेक्ट किया, इसे बार बार मैं कनेक्ट कर रहा हूँ लेकिन फिर भी ये यहाँ पे नो कनेक्टेड डिवाइस आ रहा है। तो इसके लिए कोई भी माउस या कीबोर्ड आप यहाँ से निकाल दो, जैसे कि ये मैंने एक निकाल दिया तो आप यहाँ पे देखेंगे वन डिवाइस कनेक्टेड आ गया। तो दोस्तों जब मैंने दोनों लगाया था तब नो डिवाइस कनेक्टेड आ रहा था लेकिन जब मैंने एक निकाल दिया तब वन डिवाइस कनेक्टेड आ गया। जब मैं दूसरा लगा दूंगा तो यहाँ पे टू डिवाइस कनेक्टेड आ गया। तो ये मेन प्रॉब्लम होती है। तो इसका सोल्यूशन यही है दोस्तों कि आपको दोनों एक साथ नहीं लगाना, वन बाई वन लगाना है। तो इससे आपकी ये वाली समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे माउस आ जाएगा ब्लैक कलर का और उसके बाद फिर आप गेम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली समस्या हो गई आपकी। दूसरी समस्या क्या आती है दोस्तों कि आपका ये टू डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड दिखाता है लेकिन आपका ये माउस और कीबोर्ड काम नहीं करता, यानी कि कभी कभी ये माउस का कर्सर भी नहीं आता या फिर आता है और जब आप गेम ओपन करते हैं तो उसमें वो काम नहीं करता। अभी तो काम कर रहा है लेकिन उसमें वो काम नहीं करता। तो उसकी समस्या का भी यही सोल्यूशन है दोस्तों कि आप उस गेम को क्लोज करके आप हमेशा पांडा माउस प्रो की स्क्रीन में जाएं, वहाँ पे फिर अपना वही दो तीन बार इसे निकालें लगाएं। कभी अगर ऐसा हो तो आप वही दो तीन बार निकालें लगाएं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा तो फिर से मुझे वही वाली करनी पड़ेगी, यानी कि माउस एक निकालना पड़ेगा या फिर कीबोर्ड एक निकालना पड़ेगा, उसके बाद वन कनेक्टेड आएगा फिर टू कनेक्टेड आएगा जब दोबारा लगा दूंगा, तो फिर तो उसके बाद आपका ये माउस का कर्सर आ जाएगा और फिर गेम में चल जाएगा। तो आपको यही करना है दोस्तों, क्योंकि ये बीटा टेस्टिंग में है तो इसमें इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी जो कि रैंडम समस्या है, अब जिसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ऐसे ही करके अभी तो काम चलाना पड़ेगा, जब इसका परमानेंट अपडेट आ जाएगा, जब बीटा हट जाएगा, तब फिर हो सकता है कि ये बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह ही काम करने लगे, यानी कि आप दोनों एक साथ कनेक्ट करें और कभी आपको ऐसी समस्या आए ही ना, डायरेक्ट आप गेम खेलने लगे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपकी ये सारी समस्या होगी। उसके बाद भी अगर आपका सही ना हो तब भी मैं आपको एक और सोल्यूशन बताना चाहता हूँ। तो उसके बाद के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना ऐप ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ऐप आप देख रहे हैं मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद इसका वज़न देखना है कि आपका वज़न कौन सा है। तो वज़न देखने के लिए आप इसकी ऐप इन्फो में जाएंगे। ऐप इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो ये देखिए मेरा 1.5.0। तो दोस्तों ये अभी लेटेस्ट चल रहा है 1.5.0, जिसमें एंड्रॉयड 10 सपोर्टेड है, बहुत सारे बग फिक्स किए गए हैं। तो अगर आपके पास इससे नीचे का वज़न है तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, 1.5.0 वाले वज़न में आपको अपना पांडा माउस प्रो अपडेट कर लेना है, ठीक है। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो अभी के लिए 1.5.0 ही सबसे लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई नया वर्जन आता है तो आपको हमेशा नया वर्जन ही डाउनलोड करके चेक करना है। तो अगर इसके बाद भी आपका सही नहीं हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 1.4.7, 1.4.8 और 1.4.9 ये तीन और पांडा माउस प्रो का लिंक दे दूँगा, तो आप उसे भी 1x1 ट्राई कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए सिर्फ मेरे पास इतने ही सोल्यूशन है दोस्तों। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई और समस्या आती है तो हमें पांडा माउस प्रो के नए अपडेट का इंतज़ार करना पड़ेगा जो कि 1.5.1 होगा, और अगर मुझे कोई और सोल्यूशन मिलता है तो मैं उसके लिए नया वीडियो बना दूंगा। चलिए एक बार मैं भी कनेक्ट करके आपको गेम प्ले करके दिखा देता हूँ कि हाँ भैया सारा कीबोर्ड और माउस कैसे काम करता है। तो भाई ये गेम स्टार्ट हो गया, ये देखिए माउस कीबोर्ड परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ पे ये माउस लॉक करने के लिए मैंने ये कंट्रोल बटन सेट कर रखा है, तो यहाँ पे ये आपका ये कैमरा मूवमेंट, यहाँ पे ये जंपिंग वम्पिंग, साइड स्प्रिंट, ये सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। ये पंच हो गया आपका, अरे आपका ये माउस निकला है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही जो वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाए। तो चलिए आज के लिए बाय बाय।